आप साथ साथ ओके यू कैन राइट ऑल्सो। तो सबके पास नोटबुक भी है, पेन भी है, राइट डाउन। ये डिस्प्ले हुआ हुआ है आपके सामने, मॉड्यूल 2, असर्शन रीजन। ओके फाइन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन आपके सामने है, फोर क्वांटिटीज आर सेट टू बी इन प्रपोर्शन। फोर क्वांटिटीज, फोर चीजों की हम बात कर रहे हैं, फोर नंबर्स की बात कर रहे हैं। ओके प्लीज नोट इट डाउन, क्वेश्चन भी नोट कर लो साथ साथ में, जब आप हाथ से लिखोगे तो और ज्यादा समझ आ जाएगा। ओके फोर क्वांटिटीज आर सेट टू बी इन प्रपोर्शन इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड क्वांटिटी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द थर्ड एंड द फोर्थ क्वांटिटी। अपने ओके आप इसको नोट डाउन कर लो, मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको एग्जाम्पल के साथ। द सिंबल फोर डॉट्स, फोर डॉट्स स्क्वायर फॉर्म में ना चार डॉट्स होते हैं जो कि हमें रिप्रेजेंट करता है कि ये प्रोपोर्शन में है। ओके और इक्वल टू इज यूज्ड टू इक्वेट द टू रेशियोज। सिर्फ अभी हम एसर्शन की बात करेंगे। आपको उस दिन हमने जो क्वेश्चंस किए थे उनमें से कोई ऐसा क्वेश्चन भी था जिसमें हमने बोला था कि 1/2 इज इक्वल टू 2/4 होता है? क्या आर दे इक्वल, क्या वो इक्वल है? यस वेरी गुड वेरी गुड। अगर ये इक्वल है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1/2 और ये फोर डॉट्स 2/4। इक्वल को मैं फोर डॉट्स पे लिख सकती हूँ, ये रेशियो की रिप्रेजेंटेशन है कि टू रेशियोज आर सेट टू बी इन प्रपोर्शन। ठीक है इसको हम लिख सकते हैं 1:2, बीच में फोर डॉट्स, 2:4। हम ऐसे भी इसको इसको लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि टू रेशियोज जो है वो आपस में इक्वल है। जब वो इक्वल होते हैं हम उनको बोलते हैं दे आर इन प्रपोर्शन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। हुआ है डेफिनेशन एक्चुअली जो आप लिख रहे हो ना, ठीक है, टू रेशियोज आर इन प्रपोर्शन, ये उसकी डेफिनेशन है। ठीक है फोर क्वांटिटीज, अभी फोर क्वांटिटीज हो गई ना, कौन कौन सी? 1, 2, 3, 4, चार चीजों की आपस में बात हो रही है जो कि सिमिलर हैं। ठीक है ये आपने बुक में पढ़ा हुआ है प्रोपोर्शन के बारे में, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है आपने ये डेफिनेशन है उसकी कि फोर क्वांटिटीज आर सेट टू बी इन प्रपोर्शन इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड क्वांटिटी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ। ये एग्जाम्पल किसी ने लिखना है तो साथ में एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, इससे आपकी क्लैरिटी हो जाएगी कि वो क्या बोल रहे हैं सेंटेंस में। डेफिनेशन के साथ ये इसका एग्जाम्पल भी है। ओके बच्चे सो दिस इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू, वेरी गुड, दिस इज ट्रू। ओके सेकेंड रीजन इज 3 8 4 24 फॉल्स फॉल्स क्वेश्चन, दिस इज फॉल्स। यस ये फॉल्स क्यों है? अगर कहीं उन्हें नोटबुक में किया है तो इस हमें ऐसे चेक करना है बेटा, इसकी आपको पहचान होनी चाहिए। जो चार नंबर दिए होते हैं ना 1, 2, 3, 4, इनकी फिक्स पोजीशन होती है। ये नहीं कि हम फोर को कहीं भी लिख लें, या सॉरी 8 को कहीं भी लिख लें, 64 को कहीं भी लिख लें। फोर नंबर जो ऑर्डर में दिए हुए हैं आपको उसी ऑर्डर में ही उनको लिखना है। कैसे? 3/8 रेशो 64/24। अब जब इसको काटोगे तो आंसर आपके पास 3/8 आएगा या नहीं आएगा? अगर नहीं आएगा तो ये फॉल्स है, अगर आएगा तो ये ट्रू है। तो किस किसने किया है? जिन्होंने बताया को मेरे फॉल्स बताया है उन्होंने कैलकुलेट किया होगा ना इसको, रेजो हैंड, किस किसने किया था? बिल्कुल राइट आंसर है, ये फॉल्स है, वो 3/8 नहीं आ रहा। ओके इसलिए वो फॉल्स है, वेरी गुड। सो आपकी इसकी सी ऑप्शन आएगी, ये बोले असर्शन रीजन की, क्योंकि आपकी स्टेटमेंट असर्शन टू है और रीजन फॉल्स है। नोट डाउन कर लिया बेटे? यस वेरी गुड, चलो आगे चलते हैं।
सेकंड सेकंड इज, लिख लो इसको बेटा। लिखने के साथ साथ इसको अंडरस्टैंड भी करो। ओके सेकंड क्वेश्चन, ट्वेंटी फाइव, थर्टी, फोर्टी एंड 48 आर इन प्रपोर्शन। ओके इन दिस 25 एंड 40, ये आर इन प्रपोर्शन, वो दिया हुआ है हमें कि ये प्रपोर्शन में है। ओके आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। इन दिस 25 एंड 48 आर एक्सट्रीम टर्म्स एंड 30 एंड 40 आर मीन टर्म्स। आपने पढ़े मीन टर्म्स के बारे में और एक्सट्रीम टर्म्स के बारे में? यस वेरी गुड, ट्रू यस दिस इज ट्रू, यस दिस इज ट्रू। आपको पता है जो एंड वाली टर्म्स होती है, एंड वाली टर्म्स 25 एंड 48, इनको हम एक्सट्रीम टर्म्स बोलते हैं। एक्सट्रीम मतलब एज वाली, लास्ट वाली टर्म्स है। ठीक है मैंने आपको बताया था ऑर्डर में होती है सारी टर्म्स, तो इनको हम एक्सट्रीम टर्म्स बोलते हैं। और जो बीच वाली टर्म्स होती है 30 एंड 40, दे आर कॉल्ड मीन टर्म्स। ठीक है दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। रीजन ये हमारा ट्रू है। रीजन इफ फोर टर्म्स आर इन प्रपोर्शन देन फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स आर नोन एज एक्सट्रीम टर्म्स, सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर कॉल्ड मिडल टर्म्स। ट्रू यस दिस इज ऑल्सो ट्रू, तो आपकी ये ऑप्शन आएगी। बेटा ये एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे मिडल टर्म लिखा है, यहाँ पे मीन टर्म लिखा है, उनका सेम मीनिंग है। ओके इनको हम मीन टर्म्स भी बोल सकते हैं, मिडल टर्म्स भी बोल सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, बोथ आर ट्रू। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। रिलेटेड है ना दोनों एक दूसरे से? ठीक है हमारे पास ऊपर एसर्शन में भी वही बात हो रही है जो हमारे रीजन में बताई गई है। एनी डाउट इन दिस? नो गुड गुड, ओके नोट डाउन कर लो इसको। रिटर्न आपको इसका मॉड्यूल भी मिल जाएगा बेटा, वीडियो नो है आपको बाद में मिल जाएगा। ओके उस पर भी आप मार्क कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, थर्ड क्वेश्चन। राइट हम राइट कर रहे हैं। कर रहे हो? कर लो कर लो। असाइनमेंट चेक नहीं है, असाइनमेंट असाइनमेंट मिल गई है आपको? नो। चलो कोई बात नहीं, इसको नोट डाउन कर लो, बाद में जब मिलेगी तो उसमें आंसर लिख लेना। चलो हाँ अभी हम थर्ड करते हैं सेशन। रीजन वन ओके, जिन्होंने लिख लिया है वो रिवाइज करो, ठीक है इधर उधर नहीं देखना, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि फास्ट राइटिंग होती है वो जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, तो आप लिखने के बाद उसको रिवाइज करो। ओके थर्ड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अभी अभी हमने किया है, एक्सट्रीम टर्म्स और मिडल टर्म वाला। चलो आगे चले बेटा। ओके थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, 25, 130, 15, 78 आर इन प्रपोर्शन। प्लीज रीड करो इसको ठीक से एंड राइट डाउन ऑल्सो। ओके 25, 130, 15 एंड 78 आर इन प्रपोर्शन, बट 25, 15, 130 एंड 78 आर नॉट इन प्रपोर्शन। ये आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है थोड़ी सी कैलकुलेशन करके इसको चेक करो कि वो कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है।
ठीक है, आपको रफ में चेक करना पड़ेगा कि 25/130 इज इक्वल टू 15/78 है कि नहीं है। ठीक है, इसको काट के ठीक करना पड़ेगा, 15/78। ओके, कौन सी थी ये फर्स्ट आई वॉलीबॉल है। के फर्स्ट है आउट ऑफ 60 कंटेस्टेंट यस, ना। बेटे आर दे इक्वल, आर दे इन प्रोपोर्शन, काट के बताओ बेटा। पेन सबका चलना चाहिए, सबकी, आपको बहुत कुछ लिख के देखना है, क्वेश्चन सॉल्व भी करना है इसमें। मैं तो आंसर आपको बता ही दूंगी, ठीक है, देन यू कैन चेक आपका ठीक है ये गलत है। और इसमें भी आपको चेक करना है कि 25/15 इज इक्वल टू 130/78 ये है कि नहीं है, दोनों के बारे में चेक करो, यस और नो बताओ मेरे को। बातें नहीं करनी, कोई किसी को नहीं बताएगा, सबको आता है। फर्स्ट वाला प्रोपोर्शन में है बट दूसरा वाला नहीं है, चेक करो ये ट्रू है या फॉल्स है। पेन रुकना नहीं चाहिए आपका, जिन्होंने लिख लिए काटो इसको। वेरी गुड, बताओ मेरे को। फाइव को टेबल यू कैन यूज हियर, ओके, इसको कट करो, इसको कट करो, थ्री के टेबल से कोई और टेबल जाता है तो और टेबल ट्राई करो। अब आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट भी आते होंगे ना, पढ़ा है आपने थ्री का डिविजिबिलिटी टेस्ट, फाइव का डिविजिबिलिटी टेस्ट, यस है ना? तो आप फटाफट विजुअलाइज भी कर सकते हो कि ये नंबर दिया हुआ है कि थ्री के टेबल से जाएगा कि नहीं, है ना? उसका फटाफट आप डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा के डिवाइड करके फटाफट रफ में चेक कर सकते हो, 78/3 चेक कर लो आ जाता है कि नहीं। फर्स्ट, आर दे इन प्रोपोर्शन, किस किसने कर लिया, रेज योर हैंड। वेरी गुड, यस दे आर इन प्रोपोर्शन बट दे आर नॉट, ठीक है, ये दोनों नहीं है। जब इसको इस इधर लेके आते हो 130/78 करते हो, ये दोनों आपस में प्रोपोर्शन नहीं है जब आप चेक करोगे। सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, रीजन इज द ऑर्डर ऑफ टर्म्स इन द प्रोपोर्शन इज इम्पॉर्टेंट, ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट, इज इट ट्रू? उस दिन भी यस उस दिन किया था ना हमने कि ऑर्डर बहुत जरूरी होता है ट्रू इसका। हाँ, रेशियो में आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि ये नहीं कि नंबर को कहीं भी लिख लो, जहां उसकी पोजीशन है वहीं पे वो ऊपर या नीचे लिखा जाएगा, डिनोमिनेटर में कौन सा आएगा, न्यूमिनेटर में कौन सा आएगा, वो तो आपको उसके ऑर्डर से पता चलेगा। ठीक है बेटे, बोथ आर ट्रू, तो आपका ये स्टेटमेंट आएगा ए ऑप्शन। ठीक है, फाइन, आगे चलो। एमसीक्यू क्वेश्चन है बेटा इसके बाद। आई एम गोइंग टू क्लियर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, टेबल दिया हुआ है आपके सामने है, यू कैन राइट डाउन। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है, और इसके टू ऑप्शंस हैं, 1 या फिर 40। आपको चूज करना है कि इसका आंसर 1 है या 40 है। ठीक है, सिर्फ अभी फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, पी वाला लिखो, फिर हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में, क्योंकि ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है, तो मैचिंग वाले में तो आपको इसके साथ लिख लो बेटा, ये थोड़ा सा इसके ऊपर लिख लो मैचिंग, ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है, तो आपको देखना पड़ेगा कौन सी ऑप्शन किसके साथ जाती है। यस, करना शुरू कर दो, इनको सॉल्व करना है आपने, पी वाला, क्यू वाला, आर वाला और आगे एस वाला, सॉल्व इट, ये आपका आज टेस्ट ही हो जाएगा रेशियो प्रोपोर्शन का, जो जो हमने पढ़ा है उसके बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे।
इफ 4:x इज इक्वल टू 60:45 देन वैल्यू ऑफ एक्स, पी का आंसर निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है? इट इज 4 बाय, स्टार्ट डूइंग 4 बाय x इज इक्वल टू 60/45। यहां से x की वैल्यू निकालनी है, हाउ विल यू डू? कौन बताएगा x की वैल्यू कैसे निकालोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है आपको? ओके यस गुड, करो फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्टार्ट करो, ठीक है? ये कैसे आएगा, 4 इंटू 45, 4 इंटू 45 इज इक्वल टू 60 इंटू x। एक्स की वैल्यू निकालो यहाँ से, 4 इंटू 45 बाय 60। इसको काट के देखो कौन से टेबल से जाते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बेटे आपका पेन नहीं रुकना चाहिए, कई बच्चे बिल्कुल ऐसे खाली बैठे हैं। यू हैव टू सॉल्व इट, अभी मैं नाम से बुलाऊंगी जिसने मेरे को आंसर बताना है, सबको सॉल्व करना है ये। यस लुक स्ट्रेट बेटे, 6G। मेरे को एक्स की वैल्यू बताएगा, कौन बताएगा? 6 थे जीविका, ए सेक्शन जीविका, आर यू प्रेजेंट? आपकी क्या मैं आवाज एब्सेंट? एब्सेंट है, ओके। एनीबडी फ्रॉम 6G? जतिन 6G? यस आ जाओ, आगे आ जाओ, नोटबुक लेके आओ अपनी, ठीक है? एक्स की वैल्यू मेरे को बताओ कितनी आ रही है। ट्वेल्व आ रही है, इसको दोबारा करो, गो बैक डू इट अगेन। 12 तो हमारी ऑप्शन ही नहीं है इसमें, सब बच्चे करेंगे और मेरे को बताएंगे क्या आ रहा है। थ्री 60 डिग्री आ रहा है, 60। मैसे एक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा है? नहीं, 60 नो, दो। आपने कौन से टेबल से स्टार्ट किया है इसको, कहाँ से शुरू किया आपने? 2 से स्टार्ट करो, चलो सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, ओके? इसको काटो यहाँ से, किया ये सॉरी 60, यहाँ पे 60 था, 2 के टेबल से मैंने किया, यहाँ पे 30 आ रहा है, ठीक है? फिर हमने इसको फिर से किया 2 से, यहाँ पे 15 आ रहा है, तो 15 को जब मैंने इसको काटा, 15 3 45, 15 का टेबल आता है सबको? थ्री आ रहे हैं आंसर, बोला ओके गुड, ठीक कर लो। यस यस तो आपकी पी की ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगी, दिस इज 3, ठीक है? ऑप्शन आपकी नीचे आ रही है 3 पे, ओके। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन आर 15 20 30, देन इट्स, ये किसी ने ये बोला कि आपने फर्स्ट 3 टर्म्स आपको दी हुई हैं और फोर्थ टर्म निकाल, 40, ओके। 40 यहाँ पे आएगी क्यू ऑप्शन, 40 आ रही है ना? और नेक्स्ट ऑप्शन आपका आर वाला क्वेश्चन है, फिर से ये एक्स की वैल्यू निकालनी है, यस निकालो इसको बेटा। यस बेटा, आर की वैल्यू निकालो, ये वाला फाइंड एक्स, इसको कैसे निकालोगे आर वाले को? 14/21 इज इक्वल टू x/3, फिर से एक्स की वैल्यू निकालनी है। मैं 2
14 into 3 divided by 21. 7 3s are एंड 7 2s आर, एक्स इज इक्वल टू 2 आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी ऑप्शन आएगी आर. आर 2 आ रहा है. ओके नेक्स्ट वाले का क्या आ रहा है बेटे? एस वाले का. एस वाले में फिर से आपको एक्स की वैल्यू ये दिख रहा है आपको बेटे, एक्स रेशियो 50. This is 6 beta, x by 15, यहाँ पे मैं कर रही हूँ, x by 15, 4 by 10, 10 आ रही है, okay, x, s is equal to 10 आ रही है, तो आपकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, s is equal to 10 आ रही है, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा, p 3, q आपकी आ रही है, फोर्थ क्वेश्चन. ओके आप इनको मेंशन करो, ये वाली जो ऑप्शंस दी हुई है ना बेटा, इनको लिखो यहाँ पे करेक्टली, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन प्रॉपर वे से सॉल्व करना है, और यहाँ पे ये क्लियर नहीं दिख रहा आपको, इट्स ओके, इसको छोड़ दो, आप नीचे वाली ऑप्शंस को एबीसी को, बस आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो सामने सामने इनके. सबने किए ये चारों के चारों क्वेश्चन? मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको एक्स की वैल्यू आनी चाहिए, कैसे निकालनी है. ओके बेटिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जो कि पूरा का पूरा एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है. ओके बच्चे, एनी डाउट इन फर्स्ट? आपकी एक्स की वैल्यू निकालने वाले 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, फर्स्ट थर्ड वाला और फोर्थ वाला, सब में एक्स की वैल्यू निकालनी है. एनी डाउट इन दिस, एक्स की वैल्यू कैसे निकालनी? नो. वेरी गुड, यू आर ऑल वेरी इंटेलिजेंट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ इज स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रपोर्शन. फिर से सेम क्वेश्चन आ गया, आज तो एक ही टॉपिक पे हमारे ज्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं. स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रपोर्शन, सारे क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, इनमें से चेक करना है आपने कौन से प्रपोर्शन में होंगे. तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू कॉल लविका ए 6B. आपने मेरे को आंसर नहीं बताना, सिर्फ ये बताना है कि हम क्वेश्चन शुरू कैसे करेंगे, सॉल्व करना है, कैसे करना है इसको सॉल्व, कैसे सॉल्व करें. फर्स्ट वाले, ये फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट किसको ऊपर लिखना है, किसको नीचे लिखना है, यस दोबारा बताओ, 8/12 इज इक्वल टू 6/9, हमें चेक करना है कि क्या दे इक्वल है कि नहीं है. प्लीज सिट डाउन, गुड, चलो स्टार्ट करते हैं, इसको काटना स्टार्ट करो, अप एंड डाउन, वेरी गुड, चेक इट, आर दे इन प्रोपोर्शन और नॉट, अगर वो नहीं आएंगे तो हम यहाँ पे क्रॉस कर देंगे इसको. ओके और बिगनिंग में आपको यहाँ पे इक्वल का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, कॉमा भी लगा सकते हो यहाँ पे, क्योंकि अभी हम चेक कर रहे हैं कि वो इक्वल है कि नहीं है, अगर इक्वल होंगे तो हम बोलेंगे प्रोपोर्शन में है, अगर नहीं होंगे तो हम बोलेंगे वो नहीं है. ठीक है बेटे, प्लीज सॉल्व इट. They are in proportion. क्या आ रहा है दोनों का आंसर, क्या आ रहा है? 7/3. 2/3. 2/3 किस किस का आ रहा है, रेज योर हैंड. वेरी गुड, 6th A अभी कर रही हो, 6th A में से किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया, पीछे से हाथ खड़े करिए, यस गुड गुड, बाकी बच्चे करो, अभी कर लिया, यस वेरी गुड, दिस इज 2/3, 2/3, बोथ आर कमिंग 2/3, इज इट, 2/3 इज इक्वल टू 2/3, अभी हम इक्वल का साइन लगा सकते हैं और हम बोल सकते हैं कि यस दे आर इन प्रोपोर्शन, तो ये आंसर होगा यस. यस एनी डाउट बेटा? नो. ओके सेकंड क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर रेशियो 1 मीटर, देन 35 सेंटीमीटर एंड 175 सेंटीमीटर, इसमें कुछ टर्म्स मीटर वाली हैं, कुछ सेंटीमीटर वाली हैं. तो हम क्वेश्चन डायरेक्टली शुरू कर दें या उससे करेंगे? करेंगे, वेरी गुड, हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि रेशियो का क्वेश्चन हमारा तभी शुरू होगा जब दोनों सेम काइंड की ऑब्जेक्ट्स होंगे, दोनों की सेम यूनिट होगी तो हमारा क्वेश्चन शुरू होगा. ओके बेटे, पहले यूनिट चेंज करो इसकी, वेरी गुड, तो
आपका आएगा यहाँ पे सेकंड वाले का आंसर, सेकंड वाले इधर आई एम सॉल्विंग इट, 20 डिवाइडेड बाय 100, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100. तो यहाँ पे ऊपर भी सेंटीमीटर है, नीचे भी सेंटीमीटर है, तो आपको यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी हम रेशियो का क्वेश्चन करते हैं उसमें हम यूनिट मेंशन नहीं करते, क्योंकि वो यूनिट ऑटोमेटिकली इक्वल होती है और वो कैंसिल हो जाती है. ओके, सो दिस इज 20 बाय 100 एंड सेकेंड वन इज 35 बाय, वो तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में ही है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या? नो, इट इज ऑलरेडी लाइक, तो वी हैव टू चेक इट, आर दे इक्वल और नॉट, दे आर इक्वल, दे आर इन प्रोपोर्शन. दे आर इन प्रोपोर्शन. किस किसने कर दिया, रेज योर हैंड. वेरी गुड, इजी थी ये कैलकुलेशन. यस, गुड गुड. बाकी बच्चे कर रहे हैं, नोट डाउन भी कर रहे हैं, करो इसको, पेन चलना चाहिए आपका, जब मैथ्स का काम कर रहे हो आपका पेन नहीं रुकना चाहिए, चाहे लास्ट पीरियड किसका है? आप रफ काम करो चाहे आप वैसे काम करो. ओके, कुछ ना कुछ तो लिखना ही है. साइड सो इट इज, दे आर ऑल्सो इन प्रोपोर्शन. क्या आंसर आ रहे दोनों का? 1 बाय 5. यस, वेरी गुड, 1 बाय 5, 1 बाय 5 आ रहा है दोनों का, दोनों की रेशियो सेम है, दोनों आंसर्स प्रोपोर्शन में है. ओके, थर्ड क्वेश्चन, लेट अस चेक दिस आल्सो. 1 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं? 1 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं? आपको 1000. पता है 1000. तो ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको आप चेक करोगे और फिर मेरे को कल बताओगे इसका आंसर. ओके, दिस इज योर होमवर्क, टेल मी टुमारो आर दे इक्वल और नॉट. आज हमने प्रोपोर्शन की काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं, आपको समझ आ गई है कैसे करना है. ओके, चलो लेट्स मूव अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, नंबर्स 55, 11, x एंड 6 आर इन प्रोपोर्शन. जब ये ऊपर लाइन लिखी हुई है ना ये वाली बेटा, कि नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन, तो इसका मतलब आपको गिवन है, आपको गिवन ही है कि वो इक्वल है. ओके ओके, दीज आर इन प्रोपोर्शन, इसका मतलब क्या है? जो नंबर्स प्रोपोर्शन में होते हैं हम उनको कैसे लिख सकते हैं, कौन बताएगा? 6 थे सुमित. नहीं आज तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए इस टाइप के. यस, बताओ बेटा, प्रोपोर्शन में है ये, गिवन है, तो है शुरू कैसे कर? कर. ओके, और कौन बताएगा? 6B से हाथ खड़े हो रहे हैं. यस, बता दो. 55 मल्टीप्लाई बाय 6 बाय ओवर 11. 55 बाय 11 इज इक्वल टू x/6. मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर में होते हैं ये नंबर्स, ऑर्डर में होते हैं, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड इज इक्वल टू थर्ड डिवाइडेड बाय फोर्थ. ओके, यहां से x की वैल्यू निकालो और आंसर निकालो इसका कितना आ रहा है. चलो सिट डाउन. 30 नो, प्लीज डिवाइड, प्लीज थर्टी डिवाइड बेटे. आप आंसर बताने से पहले ना उसको 2 बार चेक करो, जल्दी में नहीं बताना मेरे को. फिफ्टी फाइव बाई इलेवन इज इक्वल टू x/6 है, x की वैल्यू आपने निकालनी है. 55 मल्टीप्लाई बाय 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, ये ऊपर जाएगा और यहाँ पे आएगा 11 x, ये इधर जा रहा है, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 55 मल्टीप्लाई बाय 6. ओके, कितना आंसर आ रहा है? थर्टी. ऑप्शन भी है हमारे पास 30. यस, डी ऑप्शन आपकी करेक्ट है. क्वेश्चन लिख रहे हो बेटे आप? यस. राइट डाउन.
वेट करो, अभी लिख रहे हो आप? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। चलो वेरी गुड, जल्दी लिखो। डन। चले। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये। फाइन। रानी परचेज 12 नोटबुक्स, ठीक है, 12 नोटबुक। रीड द क्वेश्चन बेटे। 12 नोटबुक्स फॉर ₹96 एंड राज वॉन्ट्स टू बाय 20 नोटबुक्स ऑफ द सेम प्राइस। सेम प्राइस मतलब ₹96 की सेम 20 नोटबुक्स परचेज करना चाहता है। एंड हाउ मच डज शी पे, कितना उसको पे करना। प्लीज इसको रीड करो एक बार, और नोट डाउन भी करो और रीड भी करो। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। रानी परचेज 12 नोटबुक्स फॉर ₹96। इसमें हमारी नोटबुक की बात हो रही है और उनके प्राइस की बात हो रही है। 160। वेरी गुड वेरी गुड। रेज योर हैंड किस किस ने कर लिया। वेरी गुड। अभी मेरे को ये बताना है आपने कि आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। टेल मी कैसे किया। 6G में से आगे आ जाओ, जिस बच्चे ने किया है मेरे को आगे के बताओ कि कैसे आपने सॉल्व किया। यस। मैम यूनिटरी मेथड ओ, यूनिटरी मेथड से। ओके यूनिटरी मेथड से तो बहुत इजी हो गया। और रेशो वाले मेथड से किसने किया है। सिक्स एफ में से। आई कैन सी योर हैंड, सेकंड बेंच पे जो बॉय बैठा है। रेशो वाले मेथड से बताओ मेरे को। मैम हमने 12 नोटबुक्स का प्राइस 96 बताया था, हाँ 20 नोटबुक्स के प्राइस को हमने एक्स मान लिया। यस मैम फिर जो वैल्यू जो बनती है टर्म 12 क्या।12 बाय 20 नाइन इज इक्वल टू 90 बाय एक्स 96 बाय एक्स। वेरी गुड। अगर आप वेरी रेशियो के फॉर्म से करते हो, प्लीज सिट डाउन बच्चे, प्लीज सिट डाउन। अभी आप रेशियो का चैप्टर पढ़ रहे हो तो इसलिए थोड़ा सा आपको यूनिटरी मेथड से थोड़ा आगे चलना है आपको, ठीक है बेटा। तो इसमें आपने क्या किया कि नोटबुक्स की इकट्ठी रेशो लिख दी। आपको पता था, आपको हमने बताया हुआ कि रेशो, जब हम क्वेश्चन लिखते हैं रेशो के बारे में, जो नंबर्स होते हैं अप एंड डाउन, वो सेम काइंड के होते हैं। हमने नोटबुक्स को नोटबुक्स के नीचे लिख दिया 12 बाय 20, और मनी को मनी के सामने लिख दिया 96 बाय x। यहां से x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। आप रेशियो का चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको इस वे से निकालोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। यूनिटरी मेथड मत लगाओ। तो यहां से एक्स की वैल्यू जब निकालोगे तो आंसर आपके पास 160 आएगा, सेम ही आएगा आंसर। अगर एमसीक्यू में है और आप रफ में सॉल्व कर रहे हो तो इट्स ओके, कर सकते हो। बट अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो प्लीज डू इट इन रेशियो फॉर्म। एनी डाउट इन दिस। आपको पता है हमने किस को किसके नीचे लिखा है, कौन से नंबर्स को हमने एक ही रेशो में कन्वर्ट किया है। नोटबुक अपॉन नोटबुक, और यहाँ पे मनी अपॉन मनी, ठीक है। यही तो हमने पढ़ाया है कि रेशो में हम क्या करते हैं, सेम काइंड के ऑब्जेक्ट्स को अप एंड डाउन लिखते हैं, ठीक है। तो वहां से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई, 160 ए ऑप्शन आ रही है आपकी। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका डायग्राम वाला क्वेश्चन है, आपको इधर ही पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं भी नोट कर रहे हो तो कोई बात नहीं, अंडरस्टैंड कर लो इसको। फिगर दिख रही है सबको क्लियरली। ओके फाइन, इसको मैं ऊपर से काट रही हूँ यहाँ पे। दिस इज एक्स्ट्रा, ओके आई एम कटिंग इट। फाइन,
है आपका, ये फिगर्स दी हुई है आपको और कुछ पार्ट शेड भी किए हुए हैं, ध्यान से सामने देखो बस। इसको नहीं भी नोट करोगे तो चलेगा, जस्ट नॉलेज के लिए इसको करना है हमने, ठीक है। आपको पता है ये शेडेड पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका के कुछ ब्लॉक्स जो है वो शेड किए हुए हैं, यहाँ पे यूरोप को शेड किया हुआ है, यहाँ पे अफ्रीका के पार्ट को शेड किया हुआ है, आई मीन डॉट्स लगाए हुए हैं, मतलब उसको हमने कुछ रिप्रेजेंटेशन दी हुई है कि ये अफ्रीका को शो कर रहा है ये एरिया, ओके बेटे। और उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया का सेपरेट है, अंटार्कटिका का सेपरेट है। ठीक है बेटे, सो ये आपका सामने सामने ये दिख रहा है आपको क्लियरली सब कुछ, कहाँ पे डॉट्स लगे हैं, कहाँ पे शेडिंग हो रखी है, कहाँ पे नाम लिखे हैं, नाम पढ़े जा रहे हैं आपसे। चलो अभी हम क्वेश्चन करते हैं। इन द फिगर द कंपैरेटिव एरियाज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर गिवन। कंपैरेटिव मीन्स कंपेयर किया हुआ है कि जितने शेड किए हुए हैं उतना उसका एरिया है। ओके द क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ अफ्रीका टू यूरोप। अब अफ्रीका टू यूरोप, अफ्रीका का एरिया ये है, यूरोप का एरिया वो है। अब अगर आपके सामने क्वेश्चन होता तो कोई भी शेडेड पार्ट है, सपोज मैं यहाँ पे टू ब्लॉक्स ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, चलो थ्री कर, इसको ऐसे कर दिया मैंने, अगर मैं इसको शेड करती हूँ टू को तो इसका एरिया क्या होगा। और अगर मैं इसको बोलती हूँ कि दिस इज 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या होगा, फिर बता सकते हो मेरे को। हाँ यार, सिक्स्थ ई में किसी बच्चे ने हाथ खड़ा किया है, ई सेक्शन, यस आगे आके बताओगे। आ जाओ शाबाश, अगर नहीं आता तो मैं बताती हूँ, इट्स ओके, बैठ जाओ, ओके सिट डाउन, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ आपको बेटा। शेडेड पार्ट की जब हम बात करते हैं ना, आपको उनको काउंट करना पड़ेगा ब्लॉक्स को। ओके फर्स्ट क्वेश्चन है आपको अफ्रीका टू यूरोप का है, ओके नाइनटीन आपको रेशो फाइव काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जितने ये स्क्वायर्स जो है वो मेंशन किए हुए हैं उनको बस काउंट करना है, वो उसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अफ्रीका का जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है 26 रेशो यूरोप। अभी यूरोप वाला क्या है, उसको भी हमने काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके सिर्फ काउंटिंग करनी है स्क्वायर को। वन जो स्क्वायर है वो क्वेश्चन में आपको लिखा होता है कि वन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वन ब्लॉक, इट इज रिप्रेजेंटिंग वन यूनिट। वन यूनिट का मतलब चाहे वो सेंटीमीटर हो सकता है, चाहे उसकी कोई भी डायमेंशन हो सकती है, लेकिन वो वन दिखाए रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है बेटे। तो हमारी रेशियो आएगी 26:10। जब आपको मॉड्यूल मिल जाएगा उसमें आंसर लिख लेना, अभी आप नोटबुक में लिख लो। ए का आंसर आ रहा है 26:10। ये ऑप्शन बी इज ऑस्ट्रेलिया टू एशिया, ऑस्ट्रेलिया ये तो छोटा सा ब्लॉक है, कई बच्चों ने कर भी लिया होगा। इसका आ रहा है 8:1 एशिया। एशिया के जब आप ब्लॉक्स काउंट करोगे, ऊपर वाले मैंने 2 कटवाए हैं आपको, ठीक है, दिस वर एक्स्ट्रा, तो एशिया के आपके आ रहे हैं जब काउंट करोगे, इट इज अ बिगर एरिया, इट इज कमिंग आउट टू बी 42। रेशो 42 यस किसने काउंट कर लिया था, ओके आपने इधर से ही काउंट किया है, वेरी गुड वेरी गुड, इसका मतलब आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है। ओके सी पार्ट इज एंटार्क्टिका टू कंबाइंड एरिया ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। कंबाइंड एरिया, कंबाइंड का मतलब दोनों को आपने प्लस कर देना है निकाल के, कंबाइंड किस किस का, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का। नॉर्थ अमेरिका का पहले काउंट करो, इट इज कमिंग आउट टू बी 16 17, नीचे भी है एक नॉर्थ अमेरिका का 17 आ रहा है, एक नीचे भी ब्लॉक है, ठीक है, और दूसरे वाले का है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका हमारा यहाँ पे है 1 2 3, ये आ रहा है आपका 18, ठीक है। अब दोनों को कंबाइन करना है, ऐड करना है दोनों को 17:17+18, और एंटार्क्टिका का भी करना है। आर यू एबल टू काउंट, 30 रेशो 35 13, यस 13 आ रहा है, रेशियो दोनों को प्लस करके 17+18 कितना आ रहा है, 13 रेशो 35 35, बस यही इसका आंसर आ जाएगा। फाइव
ओके बेटे, टाइम इज ओवर. ओके माय असाइनमेंट इज आल्सो ओवर. दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन. एंड कल बेटा प्लीज रिवाइज योर इंटीजर क्वेश्चंस आल्सो एंड रेशियो क्वेश्चन आल्सो. सारे रिवाइज करके आना, ठीक है? बाय टुमारो क्वेश्चन. बाय बेटा. बाय मैम. बात सुनो.